Welcome back, guys. This is the ninth and probably the last lecture of Redemption of Debentures. ये जो क्लास है इसमें हम सिंकिंग फंड का जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 था आईसीएसई मॉड्यूल का उसको सॉल्व करेंगे, उसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे टू बूस्ट अप आवर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. ओके, पहले क्वेश्चन को देखते हैं. हमने जर्नल एंट्री का जो प्रोसेस है वो देख लिया, फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है. अब आगे चलते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 12, प्रकाश लिमिटेड इश्यूड 10 लाख, इश्यू करके रखे हैं आप, ठीक है. एक सेकेंड, आपने इश्यू करके रखा हुआ कितना, 10 लाख डिवेंचर्स हैं. 10% का डिवेंचर है. कब इश्यू किया आपने, जनवरी 2016 को इश्यू किया. रिडीम कब करना है, दिसंबर 2018 में रिडीम करना है. तो अगर आप ध्यान देंगे, 2016 को इश्यू किया, 2017 बीच में जाएगा, 2018 के लास्ट में आप रिडेम्पशन करने वाले हो. बेसिकली 3 साल का क्वेश्चन है. मैं ये जो एनालिसिस करा रहा हूँ, इसी तरह का एनालिसिस आप अगर हर क्वेश्चन का कर लेंगे तो सिंकिंग फंड वाला क्वेश्चन जो भी एमसीक्यूज में आपको आएंगे उसमें दिक्कतें नहीं होंगी. ओके, तो 3 साल का क्वेश्चन है. फॉर दिस पर्पज द कंपनी एस्टैब्लिश अ सिंकिंग फंड, ठीक है सर, फंड बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे. इन्वेस्टमेंट वर एक्सपेक्टेड टू अर्न 5% इंटरेस्ट पर एनम. मतलब ये इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा हर साल, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है. नाउ सिंकिंग फंड टेबल शोज दैट 0.317208 इन्वेस्टेड एनुअली एट 5% अमाउंट टू ₹1 इन 3 years. दिस इज नथिंग बट द सिंकिंग फंड फैक्टर, ठीक है. सिंकिंग फंड फैक्टर मतलब आज से आप अगर 0.317208 पैसा हर साल अगर आप इन्वेस्ट करते जाओगे एट द रेट 5%, 3 साल के बाद वो ₹1 हो जाएगा. हमारा क्वेश्चन में क्या है, 3 साल के बाद वो ₹1 होगा, राइट. 3 साल के बाद वो ₹1 होगा, तो उसका आज का वैल्यू कितना है, 37 पैसा, 0.317208, राइट. हमारा डिवेंचर के लिए हमको कितना चाहिए, 10 लाख. 3 साल बाद आपको 1 लाख चाहिए था, तो इतना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे हर साल पर एनम. तो 3 साल बाद अगर आपको 10 लाख चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सर स्ट्रेट अवे 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर. यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं है. अगर आप 10 लाख से इतना मल्टीप्लाई करते हो तो हर साल आपका जो इन्वेस्टमेंट जो फंड में ट्रांसफर करना है दैट कम्स टू 3,17,208. बट एकदम पॉज मारे यहाँ पे, थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा एनालिसिस है इसमें. मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर आपको 10 लाख चाहिए, कब, 3 साल बाद, हर साल आप सेट असाइड करोगे 3,17,000. तो लॉजिकली अगर देखें, 3,17,000 3 साल में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऐड करेंगे हर साल, अगर 3,17,208 तो हमारा 10 लाख होना चाहिए, राइट ना. देखो 3,17,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9,51,624. सर तो फिर तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, दोनों तो सेम होना चाहिए ना. जैसे आपने बोला ₹1 होगा, अगर आप 37-31 पैसा या जो भी फ्रैक्शन है उतना अगर हर साल इन्वेस्ट करते जाएंगे तो ₹1 हो जाएगा 3 साल में, ठीक है. तो अगर हम 3,17,000 सेट असाइड करें, फंड बनाते जाएं, तो 3 साल में तो फिर 10 लाख होना चाहिए सर. 951,624 हो रहा है, 10 लाख क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट फैक्टर. क्योंकि 5% में आप इन्वेस्ट भी करोगे ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको मिलता रहेगा, वट एवर द वैल्यू पेएबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर दैट हैज अ लेसर पीवी प्रेजेंट वैल्यू एट द करेंट लेवल. 10 लाख आपको 3 साल बाद चाहिए,
नो डाउट 3,70,000 17,208 आप फंड में इन्वेस्ट करते जाओगे, लेकिन जो शॉर्टफॉल पड़ रहा है ना यहाँ पे 10 लाख होना चाहिए राइट, लेकिन हो रहा है 9,51,624। इस बीच का जो शॉर्टफॉल है वो हम इंटरेस्ट से कमाएंगे जिसका रेट है 5% का। इज इट ओके? यहां से आपका आई एम प्रिटी मच श्योर, 100% श्योर, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वहां से ये जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन से आपको सिंकिंग फंड और इन्वेस्टमेंट इन दोनों का पूरा लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए। डिफरेंस क्यों है बीच में? इंटरेस्ट भी तो अर्न होगा ना, आप जब टाइम वैल्यू को बोलते हो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट फैक्टर भी साथ में रहता है। आप कम इन्वेस्ट करोगे लेकिन 5% का इंटरेस्ट भी और मिलेगा, वो भी इन्वेस्ट करोगे तो इन द प्रोसेस इट विल बी एक्यूमुलेटेड टू ₹10 लाख। इज इट ओके? ओके सर, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर देखेंगे तो क्या बोला, 31 दिसंबर 2018 में इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड, सारा इन्वेस्टमेंट आपने बेचा, और इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा यहां देखो, ये पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इन्वेस्टमेंट आपने बेचा 6,56,000 में। तो 3 साल में जो इन्वेस्टमेंट का फिगर हुआ होगा, कॉस्ट वैल्यू, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, सर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि इंटरेस्ट भी इन्वेस्ट होगा, तो हर साल का इंटरेस्ट का फैक्टर भी आपको कैलकुलेट करके इन्वेस्ट करना है। तो व्हाट एवर द अमाउंट इट इज, कॉस्ट वैल्यू, उसको इसके साथ कंपेयर किया जाएगा। 6,56,000 में आपने बेचा, प्रॉफिट लॉस यहां पर निकलेगा और जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इज इट डन? ओके, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन मल्टीपल्स ऑफ ₹100। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम एनालिसिस करेंगे। जनरली ये क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता हमको, ये बोल देता है तो थोड़ा सा दिक्कत है हमको होता है। डिवेंचर इंटरेस्ट और नरेशन को इग्नोर करेंगे और हम आगे का क्वेश्चन बताएंगे। ओके, इतना क्वेश्चन दिया, 3 साल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम 2016 का बात करते हैं, ठीक है। अगर आप 2016 का बात करोगे ना, 2016 का 1 जनवरी में आपने कुछ डिवेंचर्स इश्यू किए हैं, उसका एंट्री ये डिवेंचर इश्यू का है, ये जो पार्ट है डिवेंचर इश्यू का है, पार में डिवेंचर इश्यू हुआ है, 10 लाख का डिवेंचर इश्यू हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। 31 दिसंबर 2016 आता है सर, जो 31 दिसंबर को आपको करना क्या है, ये जो अमाउंट आपने 3,17,208 निकाला, ये हर साल आपको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना है, तो एक जो एंट्री होगा सरप्लस अकाउंट डेबिट और पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये पूरा का पूरा 3 साल में यही एंट्री होने वाला है, डन। तो यहां पे देखें बहुत ध्यान से, ये मैंने कुछ सर्कल आउट किया हुआ है, 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2018, तीन जो ये सर्कल आउट किए हुए हैं, दीज आर नथिंग बट द सिंकिंग फंड का ट्रांसफर अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर एंट्री 3,17,208, ये आप 3ों साल आप ट्रांसफर करोगे, डन। अगर आप 3ों साल ये ट्रांसफर करते हो ना बेटा, तो 3,17,000 करके सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, हर 3 साल में ये एंट्री होगा ईयर के एंड में। ओके, अब बात करते हैं आगे का, सॉरी एक सेकेंड, अब बात करते हैं आगे का। आगे का अगर आप बात करोगे तो 31 दिसंबर को फंड में ट्रांसफर तो हो गया सर, अब इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा मुझे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए, सर अमाउंट कितना होगा? लॉजिक बोलता है जितना फंड में ट्रांसफर हुआ उतना ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो फंड में ट्रांसफर हुआ 3,17,208, तो इन्वेस्टमेंट भी 3,17,208 का होना चाहिए, बट यहाँ पे ये जो पार्ट बोल दिया आपका, क्या करें, ये वाला कलर करते हैं, ये जो पार्ट बोल दिया इन मल्टीपल ऑफ ₹100, इसके चलते आपको राउंड अप करना पड़ेगा, वो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, बस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को राउंड अप करना है, ठीक है। तो आपने सरप्लस में ट्रांसफर किया 3,17,208, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो सरप्लस में फंड में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करोगे इसको राउंड अप करके करना है, 3,17,208 कैन बी राउंडेड अप टू 3,17,200,
अगर ये 250 या उसके ऊपर रहता तो 300 हो जाता वो, इज इट ओके? तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, तो 3,17,200 ही आएगा वहां पे, ठीक है? ये पहले साल का इन्वेस्टमेंट हो गया। सेकेंड ईयर जब 31 दिसंबर आ रहा है, सेकेंड ईयर 2017 का एंड में, आपको पहले इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? आप इंटरेस्ट का एक ही एंट्री करते हो, आप सिंकिंग फंड में उसको ट्रांसफर कर देते हो, इंटरेस्ट को, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। अब सर इंटरेस्ट 5% में मिलेगा, लेकिन अमाउंट आप ध्यान रखें क्योंकि आपको राउंड अप करना है, 3,17,200 पे 5% का, ये इंटरेस्ट का एंट्री हो गया। अब उस साल फिर से ये सिंकिंग फंड में ट्रांसफर एंट्री तो होना ही है, ठीक है सर, हो गया। अब उसी साल आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, सो पहले साल में सिर्फ दो ही एंट्री होंगे, एक फंड में ट्रांसफर करना है, एक इन्वेस्टमेंट। दूसरे साल के बाद सारे इयर्स में आपको इंटरेस्ट का एंट्री करना है, आपको फंड में ट्रांसफर का एंट्री करना है, आपको इन्वेस्टमेंट का एंट्री भी करना है, ठीक है? अब ध्यान दे के देखें, ये जो इन्वेस्टमेंट है फिर से वही एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन अमाउंट जो है वो बहुत ध्यान से, इस बार का ट्रांसफर है 3,17,208, लेकिन आप लेंगे 3,17,200 प्लस 15,860 भी है, राइट? ये जो 15,860, क्योंकि इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट होगा, तो 15,860 का जो इंटरेस्ट मिला है, जो फंड में आपने ट्रांसफर किया, वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है, तो आता है 3,33,060। तो इसको आप फिर से राउंड अप करेंगे इन मल्टीपल ऑफ 100, तो 333,100, ठीक है? ये इन्वेस्टमेंट हो गया सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर में आते हैं, जब आप थर्ड ईयर पहुंच रहे हो, थर्ड ईयर में भी वही चीज, आपको पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, ठीक है? अब थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा ना बेटा, ये 331,100, ये तो इसके ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है? 3,17,200 ये हमारा पहले का था, दोनों के ऊपर थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा 5% में, तो इंटरेस्ट कम्स टू 32,515, डन। तो ये इंटरेस्ट का एंट्री भी हो गया हमारा। अब इस साल फिर से सरप्लस से ट्रांसफर होगा 3,17,208 का ही, बट इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, उल्टा इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट को बेचते हो, इन्वेस्टमेंट बेच के हमको मिलेगा कितना, 3,56,56,000 क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, लेकिन सर इन्वेस्टमेंट में अगर आप टोटल करोगे ना, तो इन्वेस्टमेंट अभी तक का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 333,100 प्लस 3,17,200, ठीक है? तो आपका हो जाता है इन्वेस्टमेंट में 6,50,300। इतने का आपने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आपने जो सेल किया आपको मिला 656 का, सो ऑब्वियसली सर 5,700 का प्रॉफिट हुआ। तो जो भी प्रॉफिट हुआ वो आप पीएल अकाउंट में ट्रांसफर ना करके सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हो, ठीक है? तो ये इन्वेस्टमेंट सेल का एंट्री हो गया। अब डिवेंचर रिडेम्पशन का एंट्री हो जाएगा, ये तो नॉर्मल है, कुछ नहीं बोला इसलिए हम पार में ही रिडेम्पशन कर रहे हैं, बट लास्ट में जाके सिंकिंग फंड का टोटल अमाउंट जर्नलिज्म में ट्रांसफर करते हैं, इज इट ओके? अब ये सिंकिंग फंड का जो टोटल बैलेंस है उसको देखने के लिए ना, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे लेजर अकाउंट उसका बनाया, एक बार ध्यान दें क्या हुआ ये सिंकिंग फंड में। पहले ईयर का ट्रांसफर है ये, दूसरे ईयर का इंटरेस्ट आया, दूसरे साल का ट्रांसफर हुआ, तीसरे साल का इंटरेस्ट आया, तीसरे साल में ट्रांसफर हुआ, और इन्वेस्टमेंट सेल करके हमको मिला 5,500, ठीक है? तो टोटल आ गया कितना, 10,05,700, यही टोटल अमाउंट है। तो जब आप ट्रांसफर करोगे जर्नलिज्म में सिंकिंग फंड का, टोटल बैलेंस ट्रांसफर होगा 10,05,700, ये जो है ना, ये 10,05,700 है, डन। अब इसमें मुझे एक पार्ट बोलने के लिए है, जिसमें हम क्या बात करेंगे, अगर ये जैसे डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर्स यहाँ पे पार में रिडेम्पशन था, ठीक है? अगर प्रीमियम में होता ना, अगर ये जो डिवेंचर्स हैं ये अगर प्रीमियम में रिडेम्पशन हो रहे होते, तो क्या एंट्री होता, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट होता है यहाँ पे, राइट? एक्स्ट्रा डेबिट होता है यहाँ पे, जो भी अमाउंट आता है ना प्रीमियम का, उसको आप पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, उसको भी आप सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर करते, मतलब सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट।
सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ये होता अगर प्रीमियम में रिडेम्पशन होता तो, उस केस में यहाँ पे क्या होता है, ये जो लेजर अकाउंट का जो इम्पैक्ट देखेंगे आप, लेजर अकाउंट में ये सारे एंट्रीज तो होते ही, ये जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र होगा इससे पहले आप यहाँ पे क्या करते, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जितना भी आता, इस क्वेश्चन में नहीं था, अगर होता तो टोटल 10,05,700 सिंकिंग फंड में एक्यूमुलेट हुए, वहाँ से प्रीमियम का खर्चा जो भी होता वो यहीं से एडजस्ट होता, रिमेनिंग अमाउंट आप जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र करते। यहाँ पे वो नहीं था इसलिए नेट का नेट टोटल का टोटल अमाउंट आप जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र किए। सो दिस वॉज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ सिंकिंग फंड। आई होप ये वीडियो के थ्रू आप को मैंने एडिक्वेट एक क्या बोलते हैं जिसे रिसोर्सेस टाइप का या एडिक्वेट डिस्कशन टाइप का आपके पास मैंने प्रेजेंट कर पाया, मैं प्रेजेंट कर पाया। आई होप दैट आपका अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप हो गया है, आई होप दैट। ओके, सो अगर हम बात करेंगे डिवेंचर्स का, डिवेंचर्स में मोटा मोटी देखा जाए तो यहीं तक बात है जहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आई होप दीज वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू गाइज, एंड अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं देन डू नॉट हेजिटेट टू शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।